विधायक हो या पूर्व विधायक, सभी जनता को जनार्दन मान कर रहे हैं सेवा। जी हां, संपूर्ण भारत में कोरोना रूपी महामारी से प्रत्येक भारतवासी पीड़ित है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई वर्ग इस महामारी से प्रभावित हो रहा है तो वह है देश का मजदूर गरीब तबके के लोग, जो प्रतिदिन कमाकर खाते थे। दूसरे लॉकडाउन में मिडिल क्लास का नागरिक ऐसे सभी नागरिकों के लिए जनता में जनार्दन की भावना लिए राजनीति भूलकर, विधायक हो या पूर्व विधायक, सभी जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि, सभी राजनीतिक दल के नेता व कार्यकर्ता, सबका एक ही उद्देश्य है कि क्षेत्र में कोई भूखा ना सोए। इसी लक्ष्य के साथ आवश्यक सामग्री, दवा, भोजन के पैकेट जरूरतमंद लोगों तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस पुनीत कार्य में कई समाज सेवी संस्थाएं, प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका परिषद, थाना बासोदा सहित कई विभाग तत्परता के साथ इस कार्य में लगे हुए हैं। विदिशा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान ने जो कहा है कि जो भी अप्रवासी हैं वो भूखे नहीं रहेंगे, और जिन लोगों पर राशन कार्ड नहीं है उनको भी शासन राशन उपलब्ध करवाएगा, उसी में हमारे ये हरदूखेड़ी पंचायत में आज जो अप्रवासी थे यहाँ पे, या जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, या जो भी थोड़ी बहुत भी दिक्कत में थे, उनको यहाँ पर 10 किलो 20 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल उपलब्ध करवाए गए हैं। ये शासन की तरफ से निःशुल्क वितरण है, जो हमारे आदरणीय CEO साहब, हमारे सचिव, हमारे जो यहाँ पे कार्य देखते हैं मुरारी भाई साहब हैं, हमारे सरपंच साहब हैं हरदुखेड़ी के, सभी लोग उपस्थित हैं और